पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि एक लंबे वक्त का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल घर में घर वालों को दिया गया है एक टास्क, जिसमें घर वालों को बैठना था घोड़े पर, जितना लंबा वो वहां पर बैठ सकते हैं। इस दौरान विशाल आदित्य सिंह अपने घोड़े से उतर जाते हैं। संचालक होते हैं आसिम रियाज। सिद्धार्थ शुक्ला आसिम से कहते हैं कि विशाल उतर गया है एंड ही इज फाउल नाउ, बट आसिम कहते हैं एज अ संचालक मैंने नहीं देखा, दैट मींस ही इज नॉट आउट। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि आसिम ये तो गलत कर रहा है। इस पर आसिम ने कहा चिल्लाते हुए कि ये मेरा टास्क है, मैं संचालक हूँ, मैंने नहीं देखा, दैट मींस ही इज नॉट आउट, ही इज स्टिल इन। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि आसिम ये जो तेरा एटीट्यूड है, जो तेरी बातें हैं ना, ये मेरे को बाहर आके मिलना और फिर बोलना। इस पर आसिम ने कहा कि हर बार बाहर आने की धमकी क्यों देता है, अगर हिम्मत है तो यहीं पे कर, अगर कुछ कर सकता है बार बार में मुझे बाहर जाने की धमकी मत दे, हिम्मत है तो करके बता कुछ। इस पर सिद्धार्थ ने कहा तू रहने दे बेटा। और इस दौरान इन दोनों के बीच का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। सिद्धार्थ और आसिम एक दूसरे के बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आते हैं। इस दौरान आसिम उन्हें धक्का देते हैं, सिद्धार्थ उन्हें देखते हैं घूर के। तो इस पर आसिम कहते हैं कि इस तरीके से घूर के मत देख, वरना तेरी आंखें नोच लूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं अगर हिम्मत है तो नोच के बता। इस पर आसिम ने कहा कि ये मेरा संचालन है एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, जस्ट गेट अवे। इस पर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पारस और उनके बाकी दोस्तों ने कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि अब इनको खेल के बताओ गेम, कोई भी नहीं खेलने वाला। आसिम भी अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इन दोनों के बीच का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।